क्वेश्चन है, ये 10th क्लास में पूछा गया था और प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है, लेकिन जब इसका मैंने स्टूडेंट को दिया तो वो कंफ्यूज हो गए कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाया जाए। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि कोसेक 30 और कोस 60 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिकली, लेकिन स्टूडेंट को तो ये पता है कि कोसेक कोस 60 और कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है। जैसे कोस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3/2 और 1/sin 30 का जो वैल्यू होता है वो कोसेक 30 के इक्वल होता है और 1/sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा 2। तो इस तरह तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमें ये वैल्यूज पता हो कि साइन 30 कोस 60 इनका वैल्यू कितना होता है तो वैल्यू वो तो हम आराम से बता सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करने का यहाँ पर क्या मीनिंग है, एक्चुअली क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट करें। तो ज्योमेट्रिकली का मीनिंग वही है कि किसी एंगल की हेल्प से, लाइंस की हेल्प से, या आपको पॉइंट्स वगैरह की हेल्प से आपको ये शो करना है कि कोसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है और कोस 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है। तो जैसे हमें कोस 60 का जो वैल्यू दिखाना है, यहाँ पर कोस 60 का वैल्यू दिखाना है वो 1/2 होता है, तो ये हमें ज्योमेट्रिकली दिखाना है। अब कैसे इसको दिखाया जाए ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली का मीनिंग है एंगल या ट्रायंगल्स के हेल्प से इसको दिखाया जाए। तो मैं इसको ट्रायंगल के हेल्प से दिखाऊंगा और सिंपल सी बात है, वो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल होगा, तभी मैं उसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात कर पाऊंगा। जैसे अगर मैं सपोज करिए कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, और सपोज करिए ये जो एंगल है ये मेरा 30 डिग्री है, तो इसके लिए मैं कोस अप्लाई करूंगा, तो कोस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सॉरी, कोस क्या होगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो इस तरह मैं कोस 60 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा कि कोस 60 जो होगा तो ये जो रेशियो होगा यानी कि बी अपॉन एच का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 आएगा इस तरह से। तो मुझे ऐसे पता था, तो सबसे सिंपल सी बात है, जैसे मुझे कोस 60 निकालना है तो मुझे एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसका एंगल 60 डिग्री हो, मुझे एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसका एंगल 60 डिग्री हो। तो सिंपल सी बात है, इक्विलेटर ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमने एक इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के। तो सपोज करो मैंने ये ले लिया 60 डिग्री, ये भी ले लिया मैंने 60 डिग्री और ये भी मैंने 60 डिग्री ले लिया। अब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो मैं यहाँ वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, तो मेरा ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ये और ये आपस में सेम साइड है, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो R H S राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। तो ये जो एंगल बचा ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री और ये जो हमारा एंगल होगा ये भी होगा 30 डिग्री, कैसे होगा 90 60 150, तो रिमेनिंग 30, 90 60 150, रिमेनिंग 30। तो ये जो ट्रायंगल है ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, क्योंकि तीनों एंगल तो सेम हो गए, लेकिन तीनों एंगल सेम होने से हमारा कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाता है। तीनों एंगल की अगर बात करें तो तीनों एंगल, तो ये वाला इक्विलेटर ट्रायंगल और ये वाला इक्विलेटर ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि एंगल तो तीनों के सेम है, ये जो तीनों एंगल है इन दोनों ट्रायंगल के ये सेम है लेकिन
कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ, दो साइड, एक ये एक परपेंडिकुलर और बीच का एंगल, ये और ये बीच का एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मुझे इसमें मैं कोस अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, अब एक बात और याद रखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो मैं जो इसका साइड लेंथ मान लेता हूँ वो 2x मान लेता हूँ, तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, और दोनों के एंगल भी सेम है, तो ये x होगा और ये भी x होगा। तो इतना बात समझ में आ गया, क्योंकि ये एक तरह से मिड पॉइंट की तरह वर्क करेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो यहाँ पर इसका बेस है ये एक मिड पॉइंट की तरह वर्क करेगा। तो अब मैं इसमें cos 60 अप्लाई करता हूँ, तो cos 60 मेरा क्या हो जाएगा, cos 60 होगा, cos होता है मेरा पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि मेरा होता है b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन h, और मेरा जो बेस है वो x है और जो हाइपोटेन्यूस है वो 2x है, x से x कैंसिल आउट हो गया है तो 1/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2। अब मुझे ऐसे ही मुझे बताना था cos cosec 30, तो ये रहा मेरा 30 डिग्री, इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस साइड और ये हाइपोटेन्यूस। तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एच अपॉन पी, तो हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा, हाइपोटेन्यूस मेरा हो जाएगा 2x और परपेंडिकुलर कितना है x, x से x कैंसिल आउट हो गया तो ये मेरा वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ज्योमेट्रिकली हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ज्योमेट्रिकली पहले हमने इसको दो ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड किया ताकि हमें एक राइट ट्रायंगल भी मिल जाए और कुछ साइड्स के बारे में भी पता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर हमने काम किया तो साइड लेंथ हमें इसका पता होगा, तो फिर उसके बारे में एंगल के बारे में भी पता था। ऐसा और कोई ट्रायंगल नहीं होता जिसकी हेल्प से हम इसको कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके इसमें हमने प्रोसीड किया। तो इस लेक्चर को आप या वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।